अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत छोटा था, 3.5 साल का था जब मेरे दादाजी गुजर गए. तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ कि मैं उनके सामने बैठ के मैं सीख नहीं सका. पर उनकी इच्छा थी कि मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो पंडित गंगाधर बुआ पिंपळखरे, जो ग्वालियर घराने के थे, तो उनके यहाँ हो. मैं मेरे ख्याल से पंडित गंगाधर बुआ पिंपळखरे उनके क्लासेस थे और आई वॉज द यंगेस्ट स्टूडेंट. आई वॉज 5.5 years ओल्ड जब मैं उनके पास गया था. उसके बाद 6 साल मैंने उनसे शिक्षा ली और उसके बाद पंडित विनायक बुआ पटवर्धन के जो सुपुत्र थे डॉक्टर मधुसूदन पटवर्धन, उनके यहाँ मैंने 6 महीना या 1 साल उनके पास सीखा मैंने. और उसके बाद उषाताई चिपलकट्टी, वो भी ग्वालियर घराने की थी, तो उनके पास मैंने 8 साल उनके यहाँ सीखा. और उसके बाद कुमार जी के जो सुपुत्र हैं पंडित मुकुल जी, मुकुल शिवपुत्र, उनके पास भी मैंने 6-8 साल शिक्षा ली. निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा, निर्भय निर्गुण मूल कमल दृढ़ आसन बांधू जी, मूल कमल दृढ़ मूल कमल दृढ़ आसन बांधू जी, उलटी पवन चढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगा, निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा, निर्भय निर्गुण. कुमार जी के बारे में मैं दिन भर बात कर सकता हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शुरुआत की जो मेरी शिक्षा थी पंडित पिंपळखरे बुआ की यहाँ, तो मैं इंग्लिश मीडियम में सीखता था और मुझको क्लासिकल म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जो स्कूल में चलता था इंग्लिश गाने या पॉपुलर जो उस टाइम के गाने थे वही मैं सुनता था. और तबला भी सीखता था, पर मैं जब दूसरी कक्षा में था तब मेरी जो क्लास टीचर थी उन्होंने मेरे पिताजी और माताजी को बुला के ये कहा कि राहुल तो बेंच पे तबला बजाता है और स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, तो आप देखें अगर उसकी स्कूल आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उसका तबला. तो इस वजह से मेरा जो तबले का शिक्षण था वो उस क्लास से मुझको मेरे पिताजी ने और माताजी ने निकाल दिया, यानी वो डिसकंटिन्यू हो गया और मुझको बहुत ज़्यादा उसका दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ. और मुझको जैसे मैंने कहा था गाना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो हमारे पिंपळखरे बुआ के यहाँ मैं जहाँ बैठता था उसके सामने एक घड़ी थी बड़ी सी, वॉल क्लॉक थी, और मैं एक एक मिनट गिनता था कि अभी कब 9 बजेंगे और कब मैं इधर से छूट जाऊंगा. तो 6 साल मेरे पिताजी ने देखा और ऐसा उनको लगा कि अरे इसको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो लेट्स नॉट फोर्स दिस ऑन राहुल. सो मेरा जो क्लास था वो बंद हो गया उसके बाद. और आई स्टिल रिमेम्बर, एक बात बताता हूँ मैं पहली, कि कुमार जी और मेरे दादाजी बहुत घनिष्ठ मित्र थे. यानी अगर आपने कुमार जी की बहुत पहले वाली जो ईपीज हैं, शंकरा हो या बागेश्री हो, संजारी हो, तो उसमें जो तबला है वो मेरे दादाजी ने बजाया था. तो शुरुआत में वो बहुत तबला बजाते थे. तो अगेन कमिंग बैक टू कुमार जी, 12 जनवरी 1992 मुझको वो दिन अभी याद है. उसके
बात 13 जनवरी को सुबह मैंने टीवी पे ये न्यूज़ देखी कि कुमार जी इज पास्ट अवे एंड आई टोल्ड माय फादर बिकॉज ही शेयर्ड अ वेरी क्लोज बॉन्ड विद कुमार काका जी. हमारे घर में सब कुमार काका ही बुलाते थे. तो उसके बाद 2 महीने बाद मेरे पिताजी देवास गए थे और जब वो आए तो 2 कैसेट लेके आए थे और हमारे घर में एक नया कुछ 2-in-1 या कुछ ऐसा आया था और कोई घर पे नहीं था और मैंने वो उसमें से जो एक कैसेट है वो ऐसे ही लगा दी और मुझको अभी याद है कि जो भजन मैंने सुना था सुनता है गुरु ज्ञानी और मैं सुनता ही रहा एंड आई वॉज ड्रॉन टू दैट सुर. मुझको पता नहीं क्या हुआ मुझ में एक बदलाव सा आ गया पूरी तरह और मैं पागल हो गया. मुझको कुमार जी जैसा सुर लगाना था. मेरे लिए संगीत कुमार जी से शुरू होता था और वहीं पे आके ख़त्म होता था. उसके आगे मेरे दादाजी हो या एनी अदर सिंगर फॉर दैट मैटर कोई मायने रखता नहीं था और मुझको वो गाना सीखना था. तो इसके लिए मैंने उषा ताई से शिक्षा ली और जैसे मैंने कहा सुनता है गुरु ज्ञानी 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 गगन में आवाज हो रही झीनी 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 सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी. तो ये सब उस कैसेट में सब जो भजन थे 2 वीक्स मैंने सिर्फ वो सुना वो लिखा मैंने. वो बहुत मुश्किल है कुमार जी के रिकॉर्डिंग सुन के वो शब्द लिखना बहुत मुश्किल था मेरे लिए पर मैंने वो किया और सब जो भजन थे मैंने बिठा लिए और मैं वो उसके बाद मैं सब कुमार जी के भजन उनकी उनकी बंदिशें सब गाने लगा. और मेरा सौभाग्य ऐसा था कि मुकुल काका मैं उनको मुकुल काका बोलता हूँ तो वो जब घर पे आए थे तो उन्होंने मेरा गाना सुना और ऊपर बैठे थे तो ऐसे थोड़ा गाना सुनने के बाद आके नीचे बैठ गए और मैंने कहा कि मुझको आपसे गाना सीखना है. तो कुछ कहा नहीं उन्होंने और एक बंदिश सिखा दी मुझको और उसके बाद मेरी शिक्षा आरंभ हुई मुकुल काका के यहाँ. और मुझको ऐसा लगता है कि गुरु क्या देता है शिष्य को तो गुरु अपनी प्रकृति दे के जाता है. वो अपने प्रकृति का बना के जाता है अपने शिष्य को. गुरु जी मैं तो एक निरंजन ध्यावू जी दूजे के संग नहीं जाऊं जी न जाऊं जी जाऊं जी न जाऊं जी कहे गोरख जी सुन हाओ मच्छंदर में ज्योत में ज्योत मिलाऊं जी सतगुरु की मैं शरण गए से सतगुरु की मैं शरण गए से आवा गमन में मिटाऊं जी दूजे के संग नहीं जाऊं जी न जाऊं जी जाऊं जी न जाऊं जी. मुझको बहुत दिल से
गजल गाना अच्छा लगता है, ठुमरी गाना अच्छा लगता है, नाट्य गीत गाता हूँ मैं, भजन गाता हूँ, अभंग गाता हूँ, और ऑफकोर्स माई फर्स्ट लव इज़ क्लासिकल म्यूजिक, और वो तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझको गाना। पर जब मैं मेरा प्रोग्राम प्लान करता हूँ तो ये होता है कि अभी सब फास्ट फूड का ज़माना है, तो बहुत ऑर्गेनाइजर ऐसे बोलते हैं कि आपका जो क्लासिकल है ना वो थोड़ा सा छोटा एक 15-20 मिनट आप सुनाइए या 10 मिनट, और उसके बाद नाट्य संगीत या अभंग या ये सब आप करिए। तो मैं एक बात करता हूँ कि हमेशा ये फॉलो करता हूँ कि पहला एक 45 मिनट्स टू 1 आवर मैं मेरे ऑडियंस को ये बात बोलता हूँ मेरे प्रोग्राम में कि मेरी जो बात है वो आप इंटरवल तक सुनिए, उसके बाद आपकी जो बात है, आपको जो चाहिए वो मैं गाऊंगा, आपको जो भजन चाहिए, जो ठुमरी चाहिए, जो नाट्य गीत चाहिए वो सब मैं गाऊंगा। तो ऐसे में मेरा कॉन्सर्ट प्लान करता हूँ। अदरवाइज इट्स अ थीम कॉन्सर्ट, सो अगर प्रोग्राम रागदारी का है तो सिर्फ रागदारी गाता हूँ, अगर प्रोग्राम नाट्य संगीत का है तो वैसे करता हूँ। पर दो तानपुरों के बीच में बैठ के मुझको क्लासिकल गाने में जो मजा आता है वो सबसे ज्यादा है। मुझको ऐसा हमेशा लगता है कि म्यूजिक इज सो क्लोजली रिलेटेड टू द नेचर अराउंड अस, और मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक या कौन सा भी म्यूजिक ऐसा है कि इफ यू आर अ पेंटर देन एंड इफ यू आर पेंटिंग, अगर एक चित्र आप कर रहे हो, अगर एक पेंटिंग आप कर रहे हो, तो आपके पास तो सब रंगों का डिब्बा होता है, तो आप सब जो आता है मन में तो सब रंग आप ऐसे यू डोंट यूज ऑल द कलर्स राइट, अदरवाइज इट विल नॉट लुक गुड। कौन सा रंग कितना किधर जरूरी है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, और मुझको ऐसा लगता है कि हमारा जो रियाज है एज अ क्लासिकल सिंगर, वो रंगों का जो डब्बा है वैसा होता है कि चलो मुझको तान आता है, तान आती है, मुझको गमक करना आता है, मुझको जबड़ा करना आता है, मुझको सपाट तान करनी आती है, मुझको बहलावा आता है, मुझको ये सब जो स्किल सेट होता है वो सब आता है। वो सब अगर मैं एक ही गाने में या एक ही बंदिश में करूं तो उस बंदिश की उसको जरूरी है वो। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास तानपुरा नहीं है, मैं होटल में हूं अभी, तो एक एज एन एग्जाम्पल आई विल गिव यू, यार वेना आयो रे, यार वेना आयो रे, यार वेना आयो रे, सोज परना आज मोहे यार वेना, अभी याद मन मोरा करतनी ठुरा रे, याद मन मोरा मन मोरा, याद मन मोरा करदनी ठुरा रे, सूरत दिखा जा आज मोहे यार वेना। इतनी सुंदर बंदिश है कुमार जी की। अभी अगर इसमें मैं यार, तो जैसे मैंने कहा कि ये जरूरी है नहीं है, क्यों करना है आपको, क्यों करना है आपको, दिखाना है कि मुझको ये आता है, मुझको वो आता है। संगीत में ऐसा है कि जैसे हम जो संगीत का सफर है वो इतना इंटरेस्टिंग है, और हमेशा इट लीड्स टू अ पाथ विच टेक्स यू इफ यू हैव सॉफ्ट फोकस। आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। समझ लो कि आप एक स्काई स्क्रेपर है
उधर से आप छलांग लगा रहे हो, और वो जो छलांग है जिसको फेंक बोलते हैं गाने में, खुद को उसमें फेंकना चाहिए, यानी विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, इफ यू जस्ट फ्लिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ बिल्डिंग, यू डोंट नो वेर यू आर गोइंग टू लैंड, बट यू नो फॉर अ फैक्ट दैट वेर एवर यू आर गोइंग टू लैंड विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, एंड एक्सप्लोरिंग दैट इज आई फील द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अ म्यूजिशियन कैन डू. इसके लिए मुझको ऐसा लगता है कि जब कुमार जी, जब भीमसेन जी, किशोरी ताई, मेरे दादाजी, वसंतराव जी, जब भी वो, अगर यमन ही गाना है तो यमन अगर हमको, एवरी टाइम व्हेन यू सिंग यमन, इफ यू आर टेकन ऑन अ राइड, यू मस्ट बी सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड द इंट्रिक, नॉट द इंट्रिकसीज बट द लिटिल थिंग्स विच आर देयर ऑन योर पाथ. दैट्स वाई यू नीड सॉफ्ट फोकस. और जब ये होता है तब वो अलग ही सामने आता है. आज उसका सौंदर्य, या इट यू माइट फाइंड ब्यूटी इन ओनली एक्सप्लोरिंग वन फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, यार वे ना आ, अभी ऋषभ पे मैं काम करूंगा. उस दिन अगर मुझको लगा कि अरे ठीक है गंदार निषाद है तो ठीक है, पर मुझको आज ऋषभ पे ही एक्सप्लोर करना है, तो वो अलग हो जाएगा. आज मुझको लगा कि चलो नहीं पंचम करते हैं, या नॉट जस्ट एनी सुर, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द फ्रेजिंग, ऑल्सो अबाउट द स्टेट, म्यूजिकल स्टेटमेंट दैट यू मेक. आई थिंक अ म्यूजिकल स्टेटमेंट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई आई लाइक कुमार जी इज म्यूजिक. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको ये बताता हूं कि मधुवंती की उनकी बंदिश है, बर खा रे तू आ, ये बैर न बर खा रे तू आ, ये बोल न लागे मन विहंग पापे आमुरे पिया बेन कछु न सुहावे बैर न बरखा रे तू आ. सो ये म्यूजिकल स्टेटमेंट है. इसके लिए मुझको नहीं लगता कि आपको, अगर बंदिश ऐसे ही कह दे, आप रख दे सामने, तो लोग कहेंगे क्या बात है, क्या, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग दिस इज. मैं कैसे आऊं बालुमा, मैं कैसे तो मेहा एरी झमा झम चमके, एक तो मेहा, एक तो मेहा, एक तो मेहा, एक तो मेहा एरे झमाझम चमके, दूजे पावल झकोरी रे,
मैं कैसे आऊं बाल मां, बाल मां, बाल मां, मैं कैसे आऊं बाल मां, मैं कैसे आऊं बाल मां, मैं कैसे आऊं बाल मां। फ्यूजन के लिए ना बहुत यू नीड अकम्पनीमेंट। सो फ्यूजन है क्या कि फ्यूजन का ऐसा है कि मुझको लगता है सबसे अच्छा फ्यूजन हमारे फिल्म हिंदी फिल्म्स में हुआ है, फिल्म म्यूजिक में हुआ है, विच हैज बीन एबल टू यू नो इन्फ्यूज ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। सो जैसे रवि जी ने भी किया था, आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स। और जैसे मैंने कहा कि फिल्मों में बहुत अच्छे से फ्यूजन होता है, अलग अलग अफ्रीकन म्यूजिक हो या लैटिन म्यूजिक हो या वेस्टर्न म्यूजिक हो। तो आजकल जो फ्यूजन चलता है वो फ्यूजन से ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाना हो तो उसको फ्यूजन क्यों बोलते हैं मुझको पता नहीं। अगर तबले के बजाय आपको आप ड्रम लेते हो तो उसको आजकल फ्यूजन बोलते हैं। और मैं ये सब बहुत ज़्यादा करता था, पर मैं आपको एक बात दिल से बताऊं कि मेरे लिए जब मैं ज़्यादा ये बातें करता हूँ, मेरे पिताजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक वो बहुत प्योरिस्ट है। पर आई एंजॉय डूइंग फ्यूजन अ लॉट, और त्रिलोक दादा के साथ या रणजीत भाई के साथ मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए। पर वो उनका जो विजन है वो फॉलो करना या वो फॉलो करके अगर वो प्रोग्राम प्रस्तुत होता है तो उसमें थोड़ा मीनिंग आता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ड्रम्स के साथ अगर मैं अलबेला गाता हूं, अलबेला सजन आयो रे टक टिक टिक टक टिक, तो इसमें श्रोताओं को मजा आता है। पर अगर आप मुझको ऑनेस्टली पूछे तो ठीक है, अभी मैंने ये सब बहुत बहुत ज्यादा किया है और उसमें जो मजा आता था वो उतना मजा अभी नहीं आता मुझको ऑनेस्टली, क्योंकि तो हम क्या करते हैं, एक परफॉर्मर के नाते, परफॉर्मर ये यूज कर रहा हूं मैं वर्ड, यू हैव टू एंटरटेन, थोड़ा प्रबोधन भी करना चाहिए। तो अभी एंटरटेनमेंट फैक्टर ज्यादा हो गया है, उसके साथ आपको एक्स फैक्टर चाहिए। मुझको ये पता नहीं कि म्यूजिक में एक्स फैक्टर माने क्या। अगर आपको अच्छा संगीत सुनना हो, अगर आप अच्छा संगीत सुन रहे हो तो नेचुरली आपके आपकी जो आंखें हैं वो बंद होनी चाहिए और आपको उस अनुभव में आनंद मिलना चाहिए, ना कि ओ क्या बात है। इट्स नॉट अ इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल आर्ट, ऐसा मुझको लगता है।